अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो तमाम आने वाले दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें। तो समझ लें कि मेरी और आपकी कोचिंग की क्लास आज स्टार्ट हो रही है। ठीक है, आप स्टार्ट करो, क्योंकि मैंने आपको जो पहला लेक्चर दिया था, आप लोगों को याद होगा, वो मेरा था मसल मेमोरी पे। देखिए, आप लोगों ने बहुत सी प्रैक्टिसें कर ली, हार्ड से हार्ड प्रैक्टिसें भी कर ली, लेकिन फिर भी आप लोग वही 60-70-80 पे फंसे हुए हो और इंतजार में आप लोग रहते हैं कोई एक चीज मिल जाए। देखें, अगर आप 60-70-80 डालते हैं फ्रेम में तो सैलरी ब्रेकर क्यों नहीं बन रहे? उसमें एक ही मेन इशू आता है कि आपकी मसल मेमोरी वीक है। तो मसल मेमोरी के हवाले से मैं आपको ये प्रैक्टिस बताऊंगा कि इस तरह आपने लाइन लगा लेनी है और बस पार्टिंग शुरू कर देनी है और यही आपकी मसल मेमोरी को परफेक्ट करेगी। और इसमें अब मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि 200 बार पॉकेट कर ले या 300 बार पॉकेट कर ले, ये आपका टारगेट बहुत बड़ा होगा। ये कम से कम 10,000 पे होगी बात कि कोई प्लेयर कम से कम 10,000 बार पॉकेट करे, 15 कर ले, 20 कर ले, 25 कर ले, 30 कर ले, कोई 50,000 पॉकेट कर ले, उसके लिए ही फायदा होगा। और इसमें एक चीज आप लोगों ने जो खास ध्यान रखना है वो है आपकी स्पीड, क्योंकि ये बहुत इजी है, इसलिए इस पे आपकी स्पीड ज्यादा होगी। तो आपने कोशिश यही करना है कि अपनी स्पीड ज्यादा नहीं करनी है। आपने स्पीड आपकी वही रहनी चाहिए जो आप मैच के दौरान खेलते हैं। तो अपनी मसल मेमोरी और अपना जो कुछ है उसकी सारी परफेक्शन अपनी नॉर्मल स्पीड पे करें। तो इसके लिए भी आप सेम उसी तरह आराम से चल के आए, एंगल पे खड़े होकर चाक लगाएं और शॉट खेलें। ये नहीं सोचना कि जा रहे हैं बस मैं लगा रहूं। और अगर कभी आपका इसमें कोई बाल मिस हो जाए तो आप फिर स्टार्ट से नहीं लोगे, उसको वहीं से आपने काउंट करना है, क्योंकि आपने ये 5, 10, 15, 20,000 इस तरह की शॉट्स करनी है। अगर कभी आपको 5,000 से मिस होता तो आप फिर 0 से नहीं आ सकते। तो जो मिस हो जाए उसकी कोई बात नहीं, उसको मिस छोड़ दें, उससे अगला काउंट कर लें। तो बिगनर्स हो या कोई भी हो, मैं तो सबके लिए यही कहूंगा कि आप सबसे ज्यादा काम अपनी मसल मेमोरी में करें और ये आपके बहुत काम आएगी। यकीन करें, ये मसल मेमोरी ही आपकी गेम को आगे लेके जाएगी और आपने सबसे ज्यादा इस पर तवज्जो देनी है। और जो लोग कर लें 5,000 या 10,000 दफा, मुझे मैसेज करके जरूर बताएं। और स्पेशली आप लोग कमेंट्स में तो कुछ बता दिया करो मुझे कि कोई प्रैक्टिस या कोई टेक्निक भी, जब मैं बात करता हूँ हुनैन के अलावा मेरे ख्याल से कोई प्लेयर कमेंट नहीं करता मुझे। तो मैं सबसे यही कहूंगा कि प्लीज लाइक बटन भी प्रेस किया करें और कमेंट भी कर दिया करें। तो इसमें देख लें आप, मेन चीज आपकी ये, इसमें आपकी स्पीड ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लाहौर में मेरे दोस्त है अलीजा साहब, अलीजा साहब को मैं कहूंगा कि भाईजान ये देख लें प्रैक्टिस और आप 50,000 का टारगेट रख लें जहन में और शुरू हो जाए इंशाल्लाह 50,000 करने आप। और मेरे ख्याल से 10 से 15,000 के बाद मसल मेमोरी काफी परफेक्ट हो जाती है बंदे की। लेकिन अब हम सब यहाँ से स्टार्टिंग से लेंगे तो इंशाल्लाह मेरी यही कोशिश होगी कि कम से कम आप लोग 20 या 25,000 दफा जरूर करें ताकि आप लोगों की मसल मेमोरी बेहतरीन बन जाए। और इसमें एक आपने अपनी ग्रिप टाइट नहीं होने देनी, क्योंकि बहुत ज्यादा शॉट्स जब आप खेलते तो आपकी ग्रिप टाइट होना शुरू हो जाती है। ग्रिप को आपने सॉफ्ट रखना है और स्पीड ज्यादा नहीं होने देनी, अपनी स्पीड भी आपने अपनी नॉर्मल रखनी है। कुछ दोस्तों ने मैसेजेस किए थे मुझे कि उनकी ब्रेक मिस हो जाती है 60-70-80 पे जाके, लेकिन उसमें अगर मैं लेक्चर दूं तो फिर में क्लिप लंबा हो जाएगा, उसके लिए मैं कोशिश करता हूं कि दूसरा क्लिप बना दूं। और मेन चीज मैं आपसे ये कहूंगा कि उसमें एक तो आपकी स्पीड और दूसरा आपकी मसल मेमोरी। स्पीड का ये इशू है कि देखें, जब आप नॉर्मल गेम खेल रहे होते हैं आप नॉर्मल स्पीड में खेल रहे होते हैं,
लेकिन जैसे ही आपकी ब्रेक पहुंचती है 60-70-80 पे, आपकी स्पीड स्लो हो जाती है, आपकी परफेक्शन ज्यादा हो जाती है। तो कोशिश ये करें, अगर आपने 70-80 पे जाके स्लो खेलना है तो स्टार्टिंग से ही अपनी गेम को स्लो रखें, और अगर कोई गेम आपने फ्रेम फास्ट स्पीड में शुरू किया है तो 60-70 पे जाके भी अपनी स्पीड को स्लो ना किया करें, 60-70 पे भी अपनी स्पीड को फास्ट ही रखा करें। तो आज मुझे दे इजाजत, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होती है किसी और नई प्रैक्टिस के साथ। लेकिन प्लीज मुझे आप लोगों ने मैसेजेस करके जरूर बताने हैं कि आप लोगों ने कितने हजार बार पॉकेट किए हैं, और कमेंट्स जरूर किया करें। तो इजाजत दें, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।